प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब वो दोस्त, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनायस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का फोन और कमेंट के माध्यम से मैसेज आ रहा है कि सर 1-5 का जो है ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब खोल रहे हैं तो सिर्फ 6 से लेकर 12 तक का ही ऑप्शन मिल रहा है। इस तरह का 1-5 का जो है कहीं पर ऑप्शन बिलिंग नहीं कर रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि 1-5 का ये वाला ऑप्शन कैसे आ रहा है, कहां से आपको निकालना है, ठीक है। और साथ में 1-5 का हम लोग फॉर्म भी भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट डीएलएड किए हैं, ठीक है, 12th तक हैं या डीएलएड किए हैं, वो जो है इस फॉर्म को भर दीजिए। चाहे अनायस कैंडिडेट हो चाहे रेगुलर डीएलएड हो, सभी के लिए योग्य है दोस्तों। तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। इसका जो है रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है, 25 तक इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो आपको इस तरह का मिल रहा है। चलिए मैं आपको पहले बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, ठीक है। तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूं, जहां पर सभी जो है नोटिस अपडेट किया जाता है। जैसे आप इस साइट पर आते हैं, ये होम पेज है। होम पेज के बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन सेक्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है खुल के आ रहा है, जिसमें आपका यहाँ पर यूजर आईडी, पासपोर्ट, और नीचे में आएंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 1-5 वाला, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 6-8 और 9-10 या 11-12 भर दिए हैं, उसको जो है जिस यूजर आईडी पर किए हैं उस पर आप लॉगिन करते हुए आपको डैशबोर्ड में 1-5 का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये वाला थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना है। और हमारे अथर प्रयास के बाद दोस्तों आखिर जो है वो हमें मिल गया। लगातार आप लोग फोन कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारे सर्च किए। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो और उसके बाद दोस्तों ये एडिट वाला ऑप्शन में जाएंगे, पेंसिल वाला में। यहां पर जो दोस्तों यहां पर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर रखना है, और आपका जो मेन और होम पेज लिख के आ रहा है उसको दोस्तों आपको डिलीट कर देना है, हटा देना है। उसके बाद सर्च बटन क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है 1-5 वाला देख लीजिए यहां पर ऑप्शन आ गया है। देख लीजिए यहां पर लिखा है कि क्लिक फॉर टीआरई क्लास 1-5 रजिस्ट्रेशन इफ यू ओनली वांट टू अप्लाई फॉर टीआरई 1-5। अगर 1-5 सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेश कैंडिडेट जो 6-8, 9-10, 11-12 रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, सिर्फ 1-5, क्योंकि इसमें 9000 प्लस में सीटें हैं और इसमें सभी कैंडिडेट भर सकते हैं, चाहे वो अदर राज्य से हो या बिहार से हो। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को देखेंगे कि कैसे भरेंगे। आपको पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं, देख लीजिए यहां पर पेपर 1 का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए यहां पर पेपर 1 का ऑप्शन आ रहा है, सीटेट पेपर 1, बीटेड 1 पेपर, यानी 1-5 का ही है, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए इस ऑप्शन को जो है, चलिए पहले मैं शुरू से आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका शुरू हो गया है 17 से लेकर 25 तक, तो जल्द से जल्द आप लोग भर दे, सर्वर स्लो ना हो जाए। तो यहां पर आप देख लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो फेज 2 का बहाली हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर कैंडिडेट का नाम भरेंगे, मतलब जो कैंडिडेट, जैसे अपना आपका नाम है तो यहां पर आप जो है अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, तो यहां पर मैं फर्स्ट नाम राहुल भरूंगा, सब जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, राहुल
राहुल भरेंगे, फिर यहाँ पर मिडिल नेम भरेंगे, जैसे मेरा नाम बताएं कि राहुल कुमार सिंह है, तो यहाँ पर जो है कुमार बीच वाला भरिएगा, सब कैपिटल में होना चाहिए, और यहाँ पर लास्ट में जो आपका सिंह है जो भी है कैपिटल लेटर में भरेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए आपका यहाँ पर फादर्स नाम भरना है, वो भी आपका कैपिटल में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा है विवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है, यानी जो भी विवाहित है महिलाओं के लिए यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम लिखेगा, ये सिर्फ महिला कैंडिडेट ही भरेंगे जिनका विवाह हो गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पर मदर्स नाम भरना है, इंटर मदर्स नाम। आगे लिखा है दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ पर जो आईडी है आपका यहाँ पर टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग सभी जो है आधार पर ही टिक लगाइएगा, अगर पैन कार्ड पर टिक लगाते हैं दोस्तों तो आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ लिख के आ रहा है कि इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज, मतलब अगर आप इसमें से पैन कार्ड चूज करते हैं तो आपको जो है 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आधार कार्ड दोस्तों चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो है इंटर आधार कार्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा जो आपका है, उसके बाद इसको जो है अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर लिखा है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप तो सिटीजन है तो यहाँ पर आप यस डालेंगे। उसके बाद लिखा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट स्टेट ऑफ बिहार, अगर हैं तो यस डालिएगा। यस जैसे दोस्तों अगर डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का डिटेल मांगेगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसे अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपके सामने वो भी आ जाएगा। देख लीजिए रिजर्व कैटेगरी आएगा तो यहाँ पर किस रिजर्व में आते हैं उसका यहाँ पर जैसे दोस्तों यहाँ पर डालेंगे तो उसका भी जो है यहाँ पर आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आ जाएगा, ये सभी चीज आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर आर यू परमानेंट नहीं डालते हैं, नो पर डालते हैं तो आपका नहीं आएगा, जो अदर राज्य के हैं दूसरे राज्य के ये सारा जो है नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जैसे यस करते हैं तो आपके सामने सर्टिफिकेट ये चीज आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं तो। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि मेरिड स्टेटस, मेरिड है अनमेरिड है, तो आप जो भी है यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मेल पर आ रहा है जो भी है आप। उसके बाद लिखा कि आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर के हैं, तो है तो यस कीजिएगा, नो तो नो, नहीं है तो नो। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए डिजिबिलिटी को लेकर है तो आप कीजिएगा, इसमें से चार प्रकार का दिया गया है। आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अगर है तो। उसके बाद लिखा कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय स्थानांतरण नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो यस और नो कीजिएगा, अगर है तो यस कीजिएगा, अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह का फॉर्म जो है मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं उस सारे चीज को आपको भरना पड़ेगा। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है गया कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा, मतलब ऑब्लिक का मतलब दोस्तों या अथवा, मतलब यहाँ दिया गया है देख लीजिए, तो आपको ये चीज आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको लिखा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यरत हैं, तो जो 2012 से हैं वो केवल दक्षता को करेंगे, जो नहीं है फ्रेश कैंडिडेट वो पात्रता को करेंगे। और यहाँ पर आपको जो है 1 to 5 वाला चूज कर देना है। जैसे आप चूज करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लिखा कि आप इसमें से किस पात्रता, तो यहाँ पर ब्यूटेड पेपर 1 ये सब आएगा आपके पास, तो ये चीज आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चुन लिया है, यहाँ पर आप चुनेंगे तो यहाँ पर ये चीज आपको सभी को चुनना है। देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया गया है डीएलएड प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, और यहाँ पर जो है अगर आप पूर्व से हैं तो ये वाला चूज कीजिएगा 2012 से पूर्व, और नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको ये वाला चीज चूज कर लेना है। ठीक है, चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप जो है सीटेट बीटेड पेपर 1
के लिए है, तो आप यहां पर आपको जो है टिक लगाना है, ठीक है, आपको जो इस पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है दोस्तों तो जो सीरियल नंबर है उसी को डाल दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा भी ये बातें कही गई है, ठीक है, उसके संबंध में नोटिस भी जारी हुआ है, और इश्यू डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा, और उसका यहाँ पर अपलोड उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ, फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस क्रॉस पेंडिंग जो भी है आपका एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा, स्टेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर ठीक है पिन कोड, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाल दीजिएगा जहां पर भी है। उसके बाद नीचे में लिखा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड इनिशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट यहाँ दिया गया है तो यस यस डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी है दोस्तों आपको जो है जब तक आपका सारा प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक आपको ईमेल आईडी अच्छे से रखना है, जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर ओटीपी आएगा, जैसे यहाँ पर डालेंगे ओटीपी आएगा और कैप्चा पर डालकर आपको जो है यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो है आगे का प्रोसेस आ जाएगा, और ये सारी चीजें जो है बहुत सारे कैंडिडेट को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि मेरा जो है इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी आगे का अपडेट आएगा आप लोग को दिया जाएगा, तो इस तरह का ऑप्शन आप लोग को नहीं मिल रहा था, तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग वीडियो से आपको नॉलेज मिल गया है, और ये चीज आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और जो कैंडिडेट 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 फॉर्म को भरे हैं उसका जो है जैसे आप जिस रजिस्ट्रेशन पर किए हैं उसको लॉगिन करने के बाद जो है उसको मिल जाएगा, लेकिन 1 to 5 के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना है, आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो से बहुत हेल्पफुल मिली होगी, तो जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 25 तारीख का लास्ट डेट है, और जो 6 to 12 तक भरना चाहते हैं आज इसका लास्ट डेट है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही।